जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। फाइनली क्लास ट्वेल्थ का जो कि आप लोग का भूगोल का फाइनली रियल पेपर लेकर आ चुके हैं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का ये पेपर आने वाला है क्लास ट्वेल्थ का विषय हिंदी का, जो कि आप लोग का पेपर होने वाला है। ये रियल पेपर फाइनली है, यही पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। और आप लोग का जो है भूगोल का भी पेपर, हमारे पास सारा पेपर है। आप लोग जो है लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आप लोग को बारीकी से सारे पेपर को अपलोड कर रहे हैं, आप लोग तक पहुंचा रहे हैं, तो आप अच्छे से जो है पूरे इस वीडियो में जो है हिंदी का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा फुल सॉल्यूशन के साथ। आप यहां पर देख सकते हो कोड भी यहां पर आप लोग नीचे, जो चलिए हम आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए टोटल 23 क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का 8 पेज होने वाला है, आप लोग का 80 पूर्णांक, और जो है कि 3 और समय रहेगा इंग्लिश, और आप लोग का केवल हिंदी माध्यम। आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी परीक्षा जून 2023 का, आप लोग का यहाँ पर देख लीजिए सामान्य हिंदी, और ये निर्देश को पढ़ लीजिए आप लोग यहाँ पर अच्छे से। और चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप लोग का 6 अंक है, प्रत्येक पर एक एक अंक निर्धारित है। आप लोग का पहला है दिन, यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और गीत बच्चन किस काव्य के संग्रह से लिया गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है आप लोग का देख रहे हो क्या है, पहला यहाँ पर है मधुशाला, दूसरा है मिलन यामिनी, तीसरा है निशा निमंत्रण, और चौथा है मधु कलश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या जाए निशा निमंत्रण। आप लोग का अगला है किस रस को जो है रसराज कहा गया है, तो किस रस को जो है रसराज कहा गया है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। पर ऑप्शन 4 करुण रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस, वात्सल्य, तो श्रृंगार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिठौर का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा बड़ा भाई, ससुर का पुत्र, और जेठ का पुत्र, और देवर का पुत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जेठ का पुत्र। और आप लोग का अगला हो जाएगा अंगार उगलना का अर्थ क्या होगा, तो आग लगाना, भयंकर गर्मी, गाली देना, कठोर वचन कहना। तो अंगार लगा उगाना का मतलब होता है कठोर वचन कहना, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जो है जूझ का हिंदी अनुवाद किया, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा श्याम मनोहर जोशी ने, दूसरा हो जाएगा ओम धनवी ने, फिर हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने, फिर हो जाएगा एन फ्रैंक ने, तो आप लोग का सही नंबर हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने। चलिए अगला देख लेते हैं। तो आप लोग का अगला यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी क्या है, भारत का पहला जो है छापा खाना खुला, तो आप लोग का यहाँ पर राइट 4 ऑप्शन है 1500 में, 1556 में, 1580 में, 1599 में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1556 में। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आप लोग का जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला यहाँ पर है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए चयन यहाँ पर, यानी कि आप लोग को कुछ विकल्प के माध्यम से इस प्रकार से दिया रहेगा। चलिए देखते हैं, पहला यहाँ पर कविता के पंख लगा उड़ने माने खाली स्थान क्या जाने, यहाँ पर हो जाएगा माँ बच्चे चिड़िया, तो आप लोग का चिड़िया राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का खाली स्थान माना जाता है, तो स्वर्ण युग, रजत युग, प्रधान युग, तो आप लोग का स्वर्ण युग हो जाएगा। आप लोग का अगला है काव्य का शरीर खाली स्थान को कहा जाता है, छंद को, अलंकार को, रस को, तो रस राइट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा मेला आंचल उपन्यास के लेखक खाली स्थान हैं, तो यहाँ पर फड़ी जो है विश्वनाथ रेणु, आप लोग का यही राइट आंसर हो जाएगा फड़ी विश्वनाथ रेणु। आप लोग का अगला है खाली स्थान वाक्य में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है, प्रश्नवाचक, तो यह है संकेतवाचक। आप लोग का अगला है जो है यशोधर बाबू मूल रूप से खाली स्थान रहने वाले थे, गोरखपुर मुआऊ दतिया में, तो जो है कुमाऊ में रहने वाले थे। अगला है संपादक के नाम पत्र स्तंभ खाली स्थान को प्रतिबिंब करता है, यहाँ पर जनमत तानाशाही अवसरवाद, राइट आंसर हो जाएगा तानाशाही। अगला आप लोग का हो जाएगा सही जोड़ी बनाकर लिखिए, तो चलिए देख लेते हैं सही जोड़ी का होगा पहले का आप लोग का क्या हो जाएगा, देख लेते हैं पहले का आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा दूसरा, और आप लोग का दूसरे का हो जाएगा तीसरा, और तीसरे का हो जाएगा यहाँ पर पांचवा, और चौथे का हो जाएगा सॉरी आप लोग का इसका हो जाएगा तीसरे का चौथा और पांचवे का इसको ऐसे मिला लो, ये हो जाएगा, और आप लोग का पांचवे का आप सबसे ऊपर चले जाइए, और यहाँ पर प्ले वीड वो बोला है
तो आप लोग का प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। और यहाँ पर आपने देखा ये पांचवे का ये हो जाएगा और तीसरे का ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि यहाँ पर अगर लिख दें तो पहला का यहाँ पर ख नंबर लिख दो और दूसरे का ग नंबर, तीसरे का ज नंबर और चौथे का अंगा और पांचवे का जो है घ आप लोग का घ हो जाएगा और छठवें का क हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों अपना सही जोड़ी का मिलान करें। चलिए आप लोग का अगला देख लेते हैं। अगला आप लोग का एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो पहला है विप्लव का वीर रस किसे कहा जाता गया है, तो क्रांति के बादल को, किसे क्रांति के बादल को कहा गया है। और आप विप्लव यानी कि विपत्ति आप लोग जानते हो, बहुत ज़्यादा विपत्ति आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, तो क्रांति एक प्रकार का उसे कहा जाता है जो कि क्रांति के बादल को। अगला हो जाएगा जहाँ उपमेय उपमान का सर्वश्रेष्ठ बताया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा, तो व्यतिरेक जो कि अलंकार होगा। अगला है हिंदी गद्य का जनक किसे माना गया है, तो भारतेंदु जी को। अगला है भारत का संविधान निर्माता किसे कहा गया है, तो जो है डॉक्टर RBR अंबेडकर को। अगला है पुनरुक्त शब्द युग्म के दो उदाहरण लिखिए, तो देश देश घर घर, छोटे छोटे देश देश घर घर भी लिख सकते हो या घर घर छोटे छोटे, छोटे छोटे देश देश कुछ भी लिखे है, दो शब्द पूछा है यहाँ पर लिख दे। अगला है मुआंजो के दड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, यानी मुआंजो दड़ो नगर जो है कितने हजार साल पुराना, तो जो है 4000 साल पुराना है। कौन सा स्तंभ जो है जनमत को प्रतिबिंब करता है, तो जो है पत्रकारीय लेखन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग का अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर देखते हैं सत्य सत्य का चयन करना है। तो आप लोग का पहला है कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती, तो आप लोग का ये गलत है, फाइनली असत्य। अगला हो जाएगा आखिर हरि दर्शन की प्यासी के वियोग श्रृंगार रस है, तो हाँ ये सही है, हाँ है। अगला है क्रंदन का अर्थ जो है प्रसन्न होना, ये भी सही, ये सॉरी गलत है ये। अगला है गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, ये गलत है। अगला है कविताओं के साथ खेलते हुए लेखन आनंद को दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई है, ये आप लोग का गलत है। अगला आप लोग का है यहाँ पर है उल्टा पिरामिड शैली को दो भागों में बांटा गया है, तो हाँ ये सही है, उल्टा पिरामिड जो होता है शैली को दो भागों में बांटा गया है। आप लोग का अगला है प्रतिवाद के दो कवियों के नाम और प्रत्येक की रचना, ये आप लोग का छठवें का यहाँ पर आ गया, यानी कि क्वेश्चन आंसर दो दो अंक के। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपना राइट आंसर देख सकते हो कि प्रति जो है प्रगतिवादी की रचनाएं जो कि यहाँ पूछा है, क्या पूछा है, प्रगति गतिवादी जो है प्रति प्रगतिवादी जो है दो कवियों के नाम और उनके जो है एक एक रचना लिखी, तो यहाँ पर रचना भी देख सकते हो कि प्रगतिवादी के जो है कवि हैं प्रगतिवाद के, तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, अस्मितानंद पंत जी और नागेंद्र शर्मा जी और जो है रामेश्वर, यानी पॉपुलर जो लोग हैं यहाँ पर सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी यही दो लोग हैं, इनकी रचना यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप इनका लिख सकते हो। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों जो है आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला है स्नेह सुरा से क्या आशय है, तो उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि स्नेह सुरा से आशय है, यहाँ पर है प्रेम की मादकता और उसका जो है पागलपन जिसे कवि हर क्षण महसूस करता है और उसका मन जो है झंकृत होता है। तो इसके अथवे का भी देख सकते हो क्या है, उषा का जादू क्या है और इसे क्यों टूट रहा है, तो आप लोग का यह है राइट आंसर, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है और सूरज की किरणों से प्रभाव आकाश की छाई ललिमा समाप्त हो जाती है। आप लोग का अगला है प्रसाद गुड़ा संपन्न कविताओं की दो जो है
प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो उनकी जो है विशेषताएं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वह प्रसाद गुरु की जो युक्ति मानी जाती है, अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास से के काव्य और अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, तो उसे प्रसाद गुरु युक्ति काव्य कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हो। आपका अगला है नौवां, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, विरोधाभास अलंकार किसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर यह है, जहाँ वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यानी कि वास्तविक विरोध मतलब रियल में विरोध किसी के साथ न होकर बस जो आभास किसी का जैसे नहीं होता है, आभास आप समझते हो, और उसी प्रकार यानी आभास होता है विरोध का, तो उसे आभासी विरोध कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जब अर्थात किसी वस्तु का निर्णय जो है वर्णन करने या विरोध न करते हुए विरोध का आभास हो उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसका अथवा भी देखोगे यहाँ पर देख सकते हो, लक्षणा शब्द की परिभाषा तो देख लो ना, यहाँ पर है लक्षणा शब्द की परिभाषा, यहाँ पर दिया गया है कि शब्द लक्षणा जो है कि शब्द की वह शक्ति जिसे उसका अभिप्राय सूचित होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के साधारण अर्थ से उसका वास्तविक अभिप्राय नहीं प्रकट होता है, वास्तविक अभिप्राय उसके साधारण अर्थों के कुछ भिन्न जो है शब्द को जिस शक्ति के उसका साधारण जो है भिन्न और दूसरा वास्तविक अर्थ प्रकट होता है उसे लक्षणा कहते हैं। अगला आ जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, निबंध। जो है निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया, निबंध को जो है गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है, तो प्यारे विद्यार्थी जो है एक क्वेश्चन पूछा है, उसका राइट आंसर चलिए हम देख लेते हैं। तो उसका राइट आंसर आप लोग देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये आप लोग का हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास से निबंध की परिभाषा देते हुए कहा कि यदि गद्य की कवियों का या लेखन कसौटी है तो निबंध की कसौटी गद्य की कसौटी है, जिसे लेखकों के जो है पहचान होती है। हिंदी के इन सभी पूर्वज जो है निबंधाकार का स्मरण करते हुए गर्भनाल का यह अंक पाठ को के लिए समर्पित है। इसके अर्थ में भी देख लो। अगला देखिए यहाँ पर है, लागान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तहीन को क्या सजा दी, तो लागान न चुकाने पर जो है लागान का अदा न करने पर जमींदार ने भक्तहीन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा कर रखा, इससे अपमान कमाई विचार और भक्तहीन सह आई। आप लोग यानी कि धूप में खड़ा किया दिन भर और इनको बहुत परेशानी हुई, आप लोग समझ सकते हो। और आप लोग इसका अगला देख सकते हो, लोकोक्ति और मुहावरे में दो अंतर है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोग कहूँगा कक्षा 5वीं से 12वीं तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कक्षा 5वीं से 12वीं तक ये क्वेश्चन दोनों में लोकोक्ति और मुहावरा में अंतर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसका राइट आंसर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेके तैयार करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं उसका अथवा था, और राष्ट्रीय राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं लिखिए, तो उसका हम विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रभाषा की देश के बहुसंख्यात्मक लोगों की परिभाषा होती है, और विशेषताएं एक हो गया, दूसरा है राष्ट्रभाषा सीखने वाला सरल होती है, इनकी जो है लिपि ज्ञा वैज्ञानिक होती है, इनकी लिपि वैज्ञानिक लिपि। तीसरा होती है यहाँ पर दो पूछा है, तीन चार ठो मैंने लिखा है। अब यहाँ पर राष्ट्रभाषा संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अगला है देश में शिक्षा व समाचार पत्रों की भाषा होती है, ये आप लोग का हो जाए, इसका अथवा भी देख सकते हो अगर देखना हो तो। चलिए यहाँ पर देख लो अथवा, यह है स्क्रीनशॉट। अगला आप लोग का है सिविल वेडिंग का आयोजन क्यों हुआ था, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कि सिविल वेडिंग आयोजन क्यों हुआ था, और यशोधर बाबू की शादी में 25 वर्ष पूरे होने की जो है खुशी में सिविल वेडिंग का आयोजन किया गया था। इस प्रकार से अगला है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देते हुए योग को दो प्रमुख बातों पर लिखिए, तो उसका जो है राइट आंसर आप लोग यहाँ हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो, अच्छे लेखन को ध्यान में देते हुए योग की बातें निम्न है, और जटिल वाक्य की तुलना में सरल वाक्य की संरचना एवं वरीयता दे, और जो है आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें, और गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचें, और शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग करें।
चलिए आप लोग का अगला यहाँ पर देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अथवे का, तो उसके अथवे का भी यहाँ पर देख लो। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मैंने इतना कंप्लीट करवाया। अगर आप लोग को और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये विज्ञापन बनाकर लिखना है। फिर अगला मैं आप लोग का यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर जो है इसका नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। और आप लोग का अगला जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या भावार्थ लिखना है, फिर संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगला है आप लोग का विद्यालय में पुस्तक प्राप्त करने हैं तो आवेदन पत्र, फिर है निबंध लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार इतने ही क्वेश्चन हैं आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।